असंख्य व्यूअर्स, यहाँ पे सऊदी अकामा होल्डर्स जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी परेशानी दूर हो गई है। जी हाँ, महकमा पासपोर्ट और इमिग्रेशन जवाजात ने एक और बड़ी मुश्किल जो है वो उनकी हल कर दी। ये मुश्किल क्या है और कैसे इसको हल किया गया है मैं बताऊंगी अपने इस वीडियो में। तो जनाब, इसमें सऊदी महकमा पासपोर्ट इमिग्रेशन से कई दफ़ा अकामा होल्डर की जानिब से सवाल किया गया है कि ऑनलाइन जो हमारे पास तवक्कलना ऐप है उस पर हमारा अकामा मौजूद है, और बहुत दफ़ा जब सिक्योरिटी अहलकार लोगों को रोकते हैं उनको अकामा दिखाना पड़ता है तो उसमें अकामे की कोई जो मुद्दत है, एक्सपायरी तारीख है, वो उनको चाहिए होती है, वो नहीं होती उसमें मतलब पता लगाई जा सकती, तो उसका क्या करें। इसका जवाब जो है वो सऊदी महकमा पासपोर्ट और इमिग्रेशन ने कुछ यूँ दिया है कि जो अकामा नंबर होता है उससे सब कुछ मालूम किया जा सकता है, और पासपोर्ट महकमा पासपोर्ट ने ये बताया कि एक्सपायरी तारीख जवाजात के सिस्टम में होती है जो अफसर अकाउंट से हासिल की जा सकती है। अगर आपको कोई सिक्योरिटी एहलकार रोकता है, आपसे पूछता है, अकामा कार्ड के नंबर से सब कुछ मालूम हो सकता है। और उनको उनका ये कहना था कि सिक्योरिटी हुकाम इस हवाले से बाखूबी आगाह होते हैं कि अकामा नंबर से कैसे मालूम हासिल की जा सकती है। ऐसे में अकामा होल्डर्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हुकूमत की जानिब से जारी करदा कार्ड होते हैं और हुकूमत के पास सारा डेटा मौजूद होता है और जिसकी रसाई जो है वो सिक्योरिटी हुकाम के पास भी होती है। तो वो आपके अकामा नंबर से आपके अकामा की जो तारीख एक्सपायरी है उसके बारे में जो है वो मालूमात ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें।